अभी हम लोग दिल्ली में हैं और यहाँ से देश के लोगों को एक हीरो की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, एक रियल हीरो की कहानी बताने जा रहे हैं। MS बिट्टा साहब हैं, बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। जो शाहरुख, सलमान, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को जानने वाले लोग होंगे शायद इन्हें नहीं जानते होंगे। लगभग 14 बार इन पे हमला हुआ है, जिसमें से एक बार 1992 में हमला हुआ था, 13 लोग शहीद हो गए थे। और इकलौते शख्स हैं जिन्हें देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने जीवित शहीद का दर्जा दिया है। सबसे पहले सजतक न्यूज में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। शुरुआत वंदे मातरम से हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के रियल हीरो जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और आज मैं एक रियल हीरो के सामने बैठा हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक युवा होने के नाते युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, देश की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा और देश की आज़ादी की रक्षा, ये युवाओं का सबसे पहले कर्म होना चाहिए। जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, किसी ने सीने पे गोलियां खाई, किसी ने फांसी के रस्ते को चूमा, इसलिए चूमा कि हम इस भारत माँ को आज़ाद करा के छोड़ के जा रहे, इस आज़ादी की रक्षा जरूर करना, ये युवाओं का पहला कर्म, पहला काम ये होना चाहिए। आपको Z+ सिक्योरिटी लाइफ टाइम दी गई है, कब दिया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सुरक्षा तो आज मेरे पास कम से कम 38 साल से है, और Z+ सुरक्षा उस वक्त हुआ था जब 92 के अंदर अमृतसर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जब आतंकवादियों ने यही कहा था कि पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बिट्टा ने हमारे रोल को, हमारे काम को कमज़ोर किया है, आतंकवाद को कमज़ोर किया है, तो हम बिट्टा को छोड़ेंगे नहीं। तो बम्बों से उन्होंने हमला किया, बहुत लोग शहीद हुए, सुरक्षा जवान शहीद हुए, मेरे पैर का एक हिस्सा चला गया, तो उसके बाद Z+ सुरक्षा मुझे दी गई। अच्छा, एक और सवाल हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं, सीमाओं पे सुरक्षा के लिए युवा जाए, देश की रक्षा करें, लेकिन जो युवा आर्मी में किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, वो देश की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? मैं भी तो एक वर्दी के बगैर ही युवा था, ठीक है, पहले पार्टी में था, मैं काम किया, आज भी मैं वर्दी के बगैर हूँ, सोशल काम करता हूँ, पूरे देश में जो शहीद हो जाते हैं उन परिवारों के लिए काम करता हूँ, उनके बच्चों के लिए काम करता हूँ, उनके परिवारों को कोई दिक्कत आती है उसके लिए काम करता हूँ, जो अच्छे लोग देश के लिए काम करने वाले उनको मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप फौज की वर्दी पहने, अगर नहीं भी पहन सकते, अपने अंदर एक राष्ट्र प्रति एक ऐसा जज्बा रखें कि हमारा राष्ट्र जागता रहे। अब आप भी एक नौजवान हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप एक सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप अगर अच्छी बात राष्ट्र के लिए, मातृभूमि को मजबूत करने के लिए, गंदी राजनीति के खिलाफ, पॉलिटिकल टेररिज्म के खिलाफ, राजनीतिक गुलामी के खिलाफ। आपने एक नया शब्द बोला है, पॉलिटिकल टेररिज्म, ये क्या होता है, थोड़ा इस देश के लोग जानना चाहते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इतने हमले से, 14 हमलों के बाद बिट्टा बम्बों गोलियों से नहीं हारा है, बिट्टा मौत से नहीं हारा है, मौत से बिट्टा की दोस्ती है, बोनस की मेरी जिंदगी है, मैं अगर हारा हूँ इस देश के अंदर, शहीद, जिंदा शहीद नहीं मैं कह सकता, अपने आप को मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनकी मेहरबानी, ना मैं देशभक्त कह सकता हूँ, ना मैं जिंदा शहीद कह सकता हूँ, मैं अगर इस देश के अंदर हारा हूँ तो मैं पॉलिटिकल टेररिज्म और राजनीतिक गुलामी से हारा हूँ। बम गोलियाँ जब चलते हैं तो आदमी शहीद कहलाता है। एक शेखर सुमन में मेरी इंटरव्यू थी सोनी चैनल में, आज से 15-20 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले होगी, मुझे उसने एक सवाल पूछा था, उसके शो का नाम था शेखर सुमन, उसने कहा आपके ऊपर इतने बड़े बम चले, आपको मौत से डर नहीं लगता? मैं कहा नहीं, मौत मेरी दोस्त है, जब बम्बों से जाऊंगा मैं
तो मेरे बच्चे कहेंगे हमारा पिता देश के लिए शहीद हुआ, हमारे दोस्त कहेंगे हमारा दोस्त देश के लिए शहीद हुआ, हमारे माँ बाप कहेंगे हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। इसलिए मैं बम्बों से नहीं डरता हूँ, मौत मेरी दोस्त है। मैं एक चीज़ से डरता हूँ, बड़ा हैरान हुआ जब मौत से डर नहीं फिर किस चीज़ का डर। मैं कहा मैं वो डरता हूँ हिंदुस्तान के अंदर गिरी हुई राजनीति, पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीति गुलामी से डरता हूँ। और भगवान के आगे रोज उठ के प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान कभी भी मुझे मौत देना, बम्बों गोलियों से देना, राजनीतिक आतंकवाद से मौत मत देना। ये तो आतंकवादियों से खतरनाक होते जब कुर्सी सत्ता पावर का दुरुपयोग करके किसी भी इंसान को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा अनुभव। एक नया शब्द पॉलिटिकल टेररिज्म जो आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक आप संगठन चलाते हैं AIATF, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखो ये संगठन मुझे इसलिए बनाने की ज़रूरत हुई, आतंकवादी मनोरथी मोर्चा, जब कांग्रेस पार्टी में रह कर के मैंने अपने शरीरों पे बम खाए, मेरे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली में हमला हुआ, 40 किलो RDS के साथ 35 लोग शहीद हुए, 70 के करीब जख्मी हुए। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये डरने लग गए, बिट्टा अगर कांग्रेस के ऑफिस में बैठेगा जहाँ ब्लास्ट हो जाएगा तो इसको दूर रखा जाए, जब मुझे ऐसा अनुभव एहसास हुआ फिर मैंने एंटी टेररिस्ट फ्रंट का गठन किया और गठन करके पूरे देश में निकल गया। और फिर जब कारगिल का युद्ध हुआ, एक शहीद परिवार के घर गया था मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा में, पिता को पूछा, बॉडी का 2 दिन पहले सत्कार हुआ था, कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। उन्होंने कहा ये 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे के बच्चे हैं, बड़े होंगे जो फौज में जाएंगे, ये बच्चे अच्छी शिक्षा ले फौज में जाएं। मैं क्या कोई सरकार ने मदद की? कहते SDM लकड़ों के संस्कार के लिए 5,000 रुपया दे के गया था। उस वक्त मन हिल गया और निकल गया पूरे देश के अंदर और कारगिल के युद्ध के जवानों की शहीद पत्नियों को, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को बुला के विज्ञान भवन के अंदर वो आर्मी का जर्नैल 71 जंग का हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा को बुला के, कोई पॉलिटिशियन नहीं, जो मेरे से हो सका दोस्तों से मिल करके, सरकार देती थी 1 लाख 2 लाख, हमने 5-5 लाख की जब सहायता का ऐलान किया तो पूरे देश में एक क्रांति आई। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आज करोड़ों रुपए उन शहीद परिवारों के लोगों की मदद होती है, कोई शहीद ना हो तो हम इस काफले को लेकर के एक क्रांति के रूप में पूरे देश में चल पड़े और उसमें आज कामयाबी मिली। जो लड़ाई को बचपन से हमने शुरू किया था आतंकवाद के खिलाफ, अब वो लड़ाई हमें सामने नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के ऊपर बहुत कंट्रोल हुआ है। मैं मानता हूँ कश्मीर के अंदर कहीं कहीं बहुत ज़बरदस्त घटनाएं होती हैं, अभी होंगी, पाकिस्तान बुखला चुका है, पर मेरा वो सपना पूरा हुआ इसलिए मैं इस संगठन को लेकर पूरे देश में जाता हूँ। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आतंकवादी हमले में जितने लोग नहीं मारे जाते हैं इस देश में, उससे ज़्यादा लोग ड्रग्स का नशा उसका आदि होकर मर जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, हमने पंजाब के अंदर जब 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई, किसी माँ को ये नहीं पता होता था कि मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरे माँ बाप घर से निकले हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हर तरफ गोलियां चलती थी, उस वक्त हमने मौत का कफन बांध करके मजलूमों की रक्षा के लिए, बहनों की, सुहागों की रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाई शहीद हुए थे, 19,000, जिसे महाराष्ट्र का भी था, बिहार का भी था, यूपी का भी था, पूरे देश के कोने कोने थे जो पंजाब में काम धंधा करते थे उनको मार दिया जाता था, बिहार के बहुत लोगों को शहीद किया गया वहाँ पर। उसको तो हमने टेररिज्म को ख़त्म कर लिया, मजबूती से ख़त्म किया, पर नार्को टेररिज्म को हम ख़त्म नहीं कर नहीं पाए। उसका कारण हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, वो पॉलिटिकल विल थी। कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हम मौत का कफन बांधेंगे, हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ने देंगे, किसी बच्चे को यतीम नहीं होने देंगे, पर
नार्को टेररिज्म से पंजाब से जम्मू कश्मीर से पूरी देश के कोने कोने में इतना फैल चुका है, वो टेररिज्म को हम ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नार्को टेररिज्म के फेवर में हैं, और जो टेररिज्म को नार्को टेररिज्म को समाप्त करने की कोशिश करते हैं उसको समाप्त करने के लिए पीछे लग जाते हैं। मैं अनेकों वीडियो में ये बात बोला हूँ कि संसद भवन में बैठे, विधानसभा में बैठे बहुत सारे नेता हैं जो नार्को टेररिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं। अब आते हैं नार्को टेररिज्म को ख़त्म करने वाले एक अधिकारी पे जिनका नाम है समीर वानखेड़े, जो लगभग एक साल के अंदर सिर्फ एक मंत्री के रिश्तेदार का 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनका ड्रग्स पकड़ चुके हैं, उनके दामाद को जेल में डाल चुके हैं, उसके अलावा मुंबई में लाखों करोड़ का ड्रग्स वो पकड़ चुके हैं। नाम है समीर वानखेड़े, उनके पीछे पूरा राजनीतिक पार्टी, हाँ उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नार्को टेररिज्म, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, वो चंबाजी महाराज की धरती, वो चंबाजी महाराज एक महीने तक उस वक्त मुगलों ने, औरंगजेब ने उनको तड़पाया, वाल खींचे, नाखूनों से एक एक उंगली काटी, एक एक फोटा काटा, शरीर के अंग काटे, तड़पाया एक महीने से, तड़पाते तड़पाते उनको शहादत का जाम पीना पड़ा। ये छत्रपति शिवाजी की महान धरती, हम उतरते ना बॉम्बे के अंदर, सामने छत्रपति शिवाजी के महाराज का स्टैचू हाँ लहराता हुआ नजर आता है, गाड़ी रुक करके उनको नमस्कार करके फिर निकलते हैं, वो योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी कुर्बानियों के बाद ये देश, ये राष्ट्र मजबूत हुआ था। उस धरती के अंदर अब नशेड़ियों पंजाब की तरह नशेड़ी आ जाएंगे, अभी 1500 करोड़ की ड्रग्स नांदेड़ साहब में वानखेड़े ने पकड़ी, अभी 1500 करोड़ की ड्रग्स अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर चली जाए, पूरे देश के कोने में चली जाए, हमारा यूथ फौज में कैसे जाएगा, हमारा यूथ सीमाओं की रक्षा कैसे करेगा, हमारा यूथ साइंटिस्ट अब्दुल कलाम की तरह कैसे बनेगा, हमारा यूथ पुलिस में कैसे जाएगा अगर उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की साजिश है, ये ISI की साजिश है, आतंकवाद को पूरे देश में कंट्रोल कर लिया, पूरे देश में आतंकवाद का सफाया कर दिया, अब नार्को टेररिज्म अंदर से जैसे पंजाब को हमको खोखला कर दिया। पिक्चर आई थी ना एक उड़ता पंजाब, हर नशे हब को, पंजाब के हर पंजाबी को नशेड़ी बना दिया, क्या महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की, चंबाजी महाराज की धरती को ये पॉलिटिशियन नशेड़ी बनाना चाहते हैं। अच्छा आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो बिहारियों की हत्या हुई है अभी कुछ दिन पहले, आतंकवादियों ने मारा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, वो हमारा भाई है, हमारा परिवार है, आज अगर पूरा राष्ट्र हमारा मजबूत है तो हमारे बिहारी भाई अपने घर पर छोड़ करके, अपने परिवार को, बच्चों को, माँ को, पिता को छोड़ करके पंजाब हो, वहाँ भी उन्होंने गोलियाँ खाई, बॉम्बे हो, वहाँ भी उनके ऊपर जुल्म हुए, अभी भी होते हैं, बिहारी आ गए, गुजरात हो, वहाँ बड़ी इंडस्ट्री चलाई, कोई भी देश का कोना हो, बिहारी आगे से आप नहीं कहेंगे, बिहारी भाई कहेंगे, ये हमारी शान है, बिहारी भाई नहीं है तो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। मजदूर बन करके इंडस्ट्री चलाता है, गाड़ियाँ बनाता है, कपड़ा बनाता है, फिर हम पहनते हैं, फिर व्यापारी बनता है, फिर पैसे कमाता है, मेहनत उसकी होती है, बिल्डिंग खड़ी करता है पूरे देश के कोने कोने में, फिर बड़े बड़े बिल्डर बनते, अरबों खरबों कमाते, नी बिहार का जो व्यक्ति है वो रखता है, पर सबसे ज़्यादा अगर जुल्म, अगर मार भी खाता है तो वही खाता है कोरोना काल के अंदर, किस तरीके से इनको हर स्टेट से निकाला गया, पैदल चलते रहे पंजाब से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, गुजरात से लेके, दिल्ली से लेकर के, कितनी उनकी शहादतें, मैं उनको कहूँगा मौत, उनकी शहादतें हुई नंगे पैर, साइकिल के ऊपर, रिक्शा के ऊपर, थ्री व्हीलर के ऊपर, बॉम्बे से थ्री व्हीलर पर चलते रहे,
किसी ने उनके ऊपर तर्स नहीं खाया कि ये बिहार के लोग अगर पूरे देश में सेवा नहीं करते, मजदूर भी नहीं कहूँगा, मजदूर कहना भी पाप है, तो सेवा नहीं करते तो आज हमारा देश इन तरक्की के रास्ते पे ना जाता। अब उन्होंने क्या किया कश्मीर के अंदर, जब पाकिस्तान पूरी आतंकवाद की लड़ाई हार चुका है, एक मारते हैं शहीद करते हैं, हम उनके 50 मारते हैं, बिहार के लोगों को या दूसरे लोगों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं, रास्ते में जाते जाते कोई भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया बिहार के लोगों को या दूसरे लोगों को या हिंदू भाइयों के लोगों को, सॉफ्ट का टारगेट बनाया, कोई दुकान पे बैठा है, कोई गोलगप्पे का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उनके ऊपर हमला किया। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, पर मैं एक बात आपको फिर कहूँगा, बिहार के लोग हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी इज्जत है। जब बॉम्बे के अंदर राज ठाकरे ने उस वक्त बिहार के लोगों के ऊपर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस वक्त भी आतंकवाद की तरह ऐलाने जंग का ऐलान मैंने वहाँ जाके किया था बॉम्बे की धरती के अंदर, कि बिहार के लोगों को आप समझते क्या हैं, बेटे बकरियों की तरह समझते हैं, यह गरीब हैं इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, बिहार को बिहार के लोग ऐसे रहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके फिर वो रोटी खाता है, कई लोग तो लूटते हैं इस देश को, वो लूटता नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके रोटी खाता है और उसे राष्ट्र को मजबूत बनाता है। बिहार का वो लोग है जो लोग बिहार के बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी कदर कीमत नहीं करते, वो महापाप है, वो महापाप है। ये थे MS बिट्टा, जिनके ऊपर 14 बार आतंकी हमला हुआ है, और हीरो नहीं इन्हें कहेंगे, रियल हीरो कहेंगे, और ऐसे रियल हीरो का सम्मान इस देश के सभी लोगों को करना चाहिए, इस देश के युवाओं को इनसे सीखना चाहिए, तब जाके सच में भारत माता की जय होगा। बाकी अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।